मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दरूद नबी आखरुज़्ज़मा अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा व तैयतुस्सना सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं अपने तमाम देखने वाले, चाहने वाले और ख़ुसूसी तौर पर ज़िला गुजरात से तलक रखने वाले और बेरमूम अहल शौक़ पंजाब उनकी खिदमत में रामतराई चौक गुजरात से सलाम पेश करता हूँ। दोस्तों, आप मेरे साथ जिस शख्सियत को देख रहे हैं, उस्ताद चौधरी मोहम्मद अफजाल, ये भी हमारे टूर्नामेंट में फरहान पिजन स्पोर्ट्स फेस्टिवल में आज 9वीं उड़ान में उड़ रहे हैं। इससे पहले दोस्तों, ये छत जो है 8वीं उड़ान तक फरहान पिजन स्पोर्ट्स फेस्टिवल में 7वें नंबर पर जा रही है। इसके अलावा आलिया जेठ 2021 के गुजरात के टूर्नामेंटों में बड़ा शानदार परफॉर्म किया, जहां पंजाब के दूसरे खिलाड़ियों के साथ बैड लक हुई, वहीं मौसमी असरात इस छत पे भी उन्होंने अपना असर दिखाया। तो दोस्तों, ये छत आप जिस वक्त देखेंगे, कल जिस वक्त मैंने पिंडी से अपना सफ़र शुरू किया तो मैंने जहन में ये बात बनाई कि अफजाल भाई के यहाँ जाना है। गुजरात से ये छत बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है, तमाम खिलाड़ियों को हम बेस्ट ऑफ लक कहते हैं और ख़ुसूसी तौर पे अफजाल को। अफजाल क्या रहे हैं यार, ठीक हो? मैं ठीक ठाक, शुक्र। आपके कबूतर अच्छे उड़े हैं? हाँ, वधिया उड़े जी। तो आज मौसम शौसम कैसा है? आज मौसम बहुत गर्म है, बहुत गर्म, बहुत गर्म है आज। तो दोस्तों, इसी तरह आप मुनसब आए हुए हैं, मोरों का टाइम है, पहले ये मोरें लगवा लें तो इंशाल्लाह उसके बाद फिर बाकी बातें होंगी। चलिए जाए मोरा लुआ काट लगे। उस्ताद चौधरी अफजाल साहब जी, उन्होंने कबूतर मोर लगन लगी ने जी, उत्ते आज चौधरी फड़ी देख लो जी, आ रख दो रख दो। जी पहले मोर लग चुकी है जी, पहले कबूतर नो जी। दूसरी मोर लगन लगी, पहलिया टिक हो जी। उस्ताद चौधरी अफजाल साहब जी अपने कबूतर मोर लवा रहे ने जी। चौथे कबूतर मोर लग चुकी है, चौथे लगी है, तीसरे नु सॉरी जी। ठीक हो गया, चौथे कबूतर मोर लग चुकी है जी। जी दुकान है दस के जाना उत्ते, पंजे कबूतर मोर लगी है जी। ठीक हो जी, माशाल्लाह जी देख रहे ने जी। ज्यादा ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, शेयर करो जी, साढ़े पेज नू ज्यादा ज्यादा शेयर करो जी। छेवे नू लगी है जी, वेख लो जी दुकान है जी, दुकान दे विच अगू फिर उत्ते छत ते जांदे ने जी। ए रखी बारी जी छत ते टोरने वास्ते कबूतर जी। सतवें कबूतर नूं मोर लग चुकी जी। जी अठवें कबूतर नूं मोर लग चुकी है जी।
नवे कबूतर मोहर लगन लगी है जी। ठीक हो गया जी। दसवें कबूतर मोहर लगन लगी है जी। ठीक हो गया। ਹੈ ਜੀ ਯਾਰਵੇਂ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਲਈ ਜੀ ਆਖਰੀ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਜੀ ਹੈ ਜੀ ਯਾਰਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਔਰ ਥੱਲੇ ਚੱਲਣੇ ਆ ਜੀ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਕੱਢਣੇ ਆ ਹੈ ਜੀ ਸਾਧ ਚੌਧਰੀ ਫਜ਼ਾਲ ਸਾਹਿਬ ਰੰਗ ਛਾਤੇ ਜੀ ਰਾਮ ਤਲਾਈ ਚੌਂਕ ताजी वो नुक्कर चुनने अच्छा जी उस्ताद चौधरी फजाल साहब और छाते जी रामतलाई चौंक जी मोहर लग चुकी हैं जी है जी रामतलाई चौंक है साड़ा जी सामने जी कई रात का कंध श्याम मैरिज हाल के सामने छाते जी वेलो नाल कुड़े कुड़े बोल लगे ने बिल्डिंगा ने उचिया उचिया लेकिन आग कबूतर अपनी तह पर इतने थले ही पैंदे ने जी माशाल्लाह बहुत सियाने जानवर ने जी इन्हां दे ओ जी पर शहर की तरफ जा रही है वीरा शहर की तरफ गड्डी ते आ जिहड़ी उड़ली सरक है जिहड़ी है लाहौर की तरफ जा रही है रामतले चौंक ते हो के पर जी लाहौर गुजरा लाहौर शादियाल गुलजार जी लाने जरा कहना दाल आई है ना फिर लाने जी हां जी की हाल है जनाब ठीक हो की नाम थोड़ा जनाब सईद आजम साहब केड़ी छत तो आए हो जी जमालपुर सईद आजम ਮਨੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਛੱਤ ਆਏ ਹੋ ਜੀ ਤੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜੀ 11 ਕਬੂਤਰਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਉਡਾਣੇ ਜੀ 5 ਵਜੇ ਉਡਾਣੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਾਅਦ ਚ ਹਾਲ ਬਾਅਦ ਲੈਣੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਹੋਰ ਜੀ ਮਜ਼ੀਦ जी छत जी है जी उस्ताद चौधरी फजाल साहब होरां दी छत है जी ए फरहान पिजन स्पोर्ट फेस्टिवल कप दे विच भी उड़ रही है जी सारे खिलाड़ियों साड़ी तरफ बेस्ट ऑफ लक जी जी स्कॉट बिल्कुल तैयार है जी उड़न वास्ते जी हाँ जी उस्ताद चौधरी फजाल साहब होर आंदे जी जानवर ने जेडे स्कॉट है जी जेड़ा अज नवे परवाज होने वाला है जी जम्मू जट तैयारे तैयार खलोते ने जी उड़न वास्ते जी
पिजन स्पोर्ट्स मैगजीन का कैमरामैन हीरा भट जी, गई रात रामतराली चौंक तो चौधरी अफजाल साहब उस्ताद चौधरी अफजाल साहब जी उन्होंने छत्त बराह रास्त थोड़ी खिदमत हाजिर है जी। मोहरा शोरा लग चुकी ने जी, तुम मोहर लग दया बखाइया ने जी। टाइम पांच मिनट रह गए ने जी, पांच मिनट बाद इंशाला जी तुम दिखा दे जी उड़े कबूतर जी। इतों साढ़े पेज नूं ज्यादा ज्यादा शेयर करो, लाइक करो जी। पिजन स्पोर्ट्स मैगजीन साढ़ा पेज है जी, असी पेज तो आने जी। साढ़े पेज नूं ज्यादा ज्यादा शेयर करो, लाइक करो जी। मैं जी इस वक्त उस्ताद चौधरी अफजाल आफ रामतले चौंक जी उन्हां दी छत तों बराह रास्त तुहाडी खिदमत हाजर हां जी। ए उन्हां दा उड़न नाल स्कॉट है जी, तैयारियां दे विच जी। मिनट त्रै चार रह गए ने जी। शेयर करो जी, लाइक करो साड़ी ज्यादा ज्यादा साड़े इस पेज नू जी। अज साथ हो रही जी जानवरों के कोल फिर रहे ने जी। अच्छा अच्छा पेज खोलो ना। पूरे पांच हो गए ने जी।
मैं इधर ही पा दी इतने ही पा दी नहीं उधर जाने लगे। लो जी कबूतर अपनी परवाज दे विच होण लगे ने जी। लो जी उड़ गए ने जी कबूतर आ जाल दे उत्ते हाथ लो जी कबूतरां ने अपनी परवाज शुरू करती है जी। चौधरी लेटन दे जरा कहते जन स्पोर्ट्स मैगजीन का कैमरामैन हीराबाड़ जी रामतले चौंक तो उस्ताद चौधरी अफजाल साहब रंग छातू बराए रात थोड़ी खिदमत हाजिर है जी। कबूतर बुलंदियों जा रहे ने जी आस्ता आस्ता जी काफी बुलंदी टुर गए ने जी कबूतर जी। जी उस्ताद चौधरी अफजाल साहब ने जी
रामपला चौंक तो जी इन्हों छत जी रामपला चौंक है मेन चौंक है जी नाल सामने कंध पछा मैरिज हाल है जी ए चौंक है जी सामने रामपला चौंक जी जी काफी उच्चे टुर गए ने जी जी सामने मुनसब आए ने जी इन्हों का कोई हाल वाल लें जी सलाम अलैकुम जी की हाल है जनाब ठीक हो सईद मुनीर शाह साहब होर छत तो आए मुनसब ने जी ते सुबह किन्ने बजे पहुंचे इत्थे जी पौने पांच बजे ते किन्ने कबूतर मोहर लाईया ने जी ग्यारह कबूतर मोहर लाईया ने ते किन्ने बजे ढाई किन्ने बजे नाल ने पूरे पांच बजे जी ते अगलिया मोहर चेक कीतिया हां कबूतर कड़ने जी किस हिसाब न कड़ने माशाल्लाह जी उस्ताद चौधरी फजाल साहब ने जी रामतले चौक तो जी पंजाब दे किन्ने कपां च हिस्सा ले जी ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਚੌਧਰੀ ਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਹੈ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਡਦੇ ਵਹਾਤੇ ਨੇ ਤੇ ਆਓ ਥੱਲੇ ਚਲੀਏ ਜੀ ਚੱਲ ਕੇ ਹੁਣ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹਾਲ ਵਾਲ ਦੇਣ छत जी है रामतले चौंक तो जी हां जी उस्ताद रिया बगैर झंडी तो डाना जी कोई झंडी छंडी नहीं जी मैं वेखा है वहाया भी है जी वेख भी लिया तुसा सामने जी कबूतर उड़े ने कोई झंडी छंडी नहीं सी है थले खरीदो फरोखत का काम ही उस्ताद जी करते कबूतर का जी थले हट्टी है उत्ते दुकान छत है जी थले दुकान है जी उत्ते छत है जी स्पोर्ट्स मैगजीन का कैमरा मैन हीराबाड़ जी रामतले चौंक तो उस्ताद चौधरी अफजाल की छत बराह रास्त खिदमत हाजिर है जी साढ़े इस पेज में ज्यादा ज्यादा शेयर करो लाइक करो जी पेज साडा पिजन स्पोर्ट्स मैगजीन जी
थले दुकान है जी, उत्ते छत है जी। जी उस्ताद चौधरी फजाल साहब और अंदर शागिर्द भी आए ने, तो दोस्त अहबाब भी आए ने जी। जी निकल गए निकल गए के नहीं आंदा लाला जी, मैं तू अतादी थले आया वा तो दोस्तों ये आप सामने देख रहे हैं कि चौधरी अफजाल ने अपना यहाँ अपना कबूतरों का एक सड़ा बनाया और इसी तरह उन्होंने आपने देखा कि नीचे ही उन्होंने मोरें लगवाई और ऊपर से जाकर उन्होंने ये छत के ऊपर से कबूतर उड़ाए हैं। तो इस छत ने दोस्तों हालिया जेठ 2021 की चौथी उड़ान में गुजरात आई है। अफजाल भाई से पूछते हैं, अफजाल उड़ान अस्सलाम वालेकुम, कैसा जा रहे हैं यार मुकाबले अफजाल? मुकाबले ठीक है जाने। अच्छा ते आज की माशाल्लाह तेरा चौथी उड़ान है, बड़े घंटे वजह सन जी? बिल्कुल 132 घंटे 11 में, 132 घंटे 11 में चौथी फड़क है। तो दोस्तों इस छत ने चौथी उड़ान में 132 घंटे 11 मिनट बनाए थे। मेरे ख्याल में गुजरात की IAS परवास थी। तो आज ये छत जो है हमारे टूर्नामेंट में 7वें नंबर पे उड़ रही है। कोई कबूतर अपना कोई सोना जहा लिया के वखा यार, ना ना कोई उड़न वाला ना, कोई ब्रीडर कबूतर जड़े तेरे कोई चलो उड़ान। तो ये दोस्तों आप देख रहे हैं कि अफजाल अहमद ने यहाँ उन्होंने अपना एक सेटअप बनाया हुआ है, यहीं से उन्होंने अंदर से कबूतरों को मोरें लगवाई हैं और ऊपर उन्होंने एक खिड़की रखी हुई है छत के लिए, वहां से वो कबूतर ऊपर जाते हैं। तो आप दोस्तों ने मेरे इस पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। तो आइए आपको एक कबूतर का शौक करवाते हैं, परवाजी कबूतर का। इतना आते को हाजिर है कबूतर वो। ये दोस्तों उस्ताद अफजाल के घर का ये परवाजी कबूतर है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये कारदे बने ने जी, कबूतर कारदे बने ने। इना ना डेंग फूंड है जी। अच्छा जी, मुकाबले जी कोनी लेकिन फिर लाल मेरे को ना आको हाउस रेडी। ये दोस्तों जिस कबूतर की आप आंख देख रहे हैं, मैं आपको एक दफा फिर बता रहा हूं कि मैं इस वक्त गुजरात के रामतलाई चौक से बराह रास्त आपकी खिदमत में हाजिर हूं और यहाँ से ये छत जो है उस्ताद अफजाल अहमद के नाम से हमारे फरहान पिजन स्पोर्ट्स फेस्टिवल में वो हिस्सा ले रही है। तो ये एक परवाजी कबूतर है अफजाल अहमद की छत का जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये दोस्तों ये एक परवाजी कबूतर है ये जिसका आप कुंडा देख रहे हैं, माशाल्लाह दूसरा उठाओ। अफजाल भाई अच्छा अपना सेटअप बनाया सारा
कबूतर जो सारे घर के बने ने मेरा मतलब कबूतर मेरे घर के उड़ते हैं। अच्छा मेरे उस्ताद ने जो जकात साहब वाले। अच्छा अच्छा मैं घर ही जोड़े लाए ने उलाना बचे। अच्छा अच्छा बड़े थोड़े कबूतर रखे देखे ने थोड़े जे कबूतर ने जी अगलिया फटकां दा की मौसम कैसा है यार मौसम गर्म है। अच्छा पैरा दा इम्तिहान है। अच्छा अज सारे दा इम्तिहान है खिलाड़ियों दा जी ते सारा दिन इसे तरह गर्म रहेगा बिल्कुल सारा दिन गर्म है शाम तक इंजे चलना अल्लाह अल्लाह दे कम्मां दा पता कोई अल्लाह पाक आप तुहानूं इज्जत देण अल्लाह जी तुहानूं आसानियां अता फरमाण। तो दोस्तों ये एक परवाजी कबूतर जो है ये आपको दिखाया गया आपको हाजिर है जी चलो जी आजाद भाई ठीक इस तरह दोस्तों को देखें आपके कुछ दोस्त सहबाब जो हैं वो आके अफजाल भाई के शौक में उनके साथ बैठे हुए हैं। यह कैमरा पार्ट अफजाल तो दोस्तों ये केड़ी छत तो आए हो सैयद मनीर हुसैन शाह जमालपुर सईदा। तो दोस्तों ये सैयद मनीर हुसैन शाह साहब की छत जमालपुर सईदा से सईद आजम जो है ये वापसी के लिए आज यहाँ आए हैं। कबूतर उड़ गए जी किन्ने कबूतर उड़ाए ने घर आई है क्या बोलो ग्यारह कबूतर उड़ाए ने मोरा चलो चेक की कैसा खिलाड़ी है यार साढ़े शहर बहुत अच्छा खिलाड़ी है अच्छा खिलाड़ी है तेन कित दफा इतने आया हुआ चौथी दफा आया कोई मसला मसाइल कोई मसला है आज तू की समझना यार मौसम कैसा है मौसम आज बहुत सब चाली डिग्री मौसम है दस अच्छा देखो आवाज होगा तो फिर आना के नहीं कोई नहीं आना छत किन्ने बजे खुलनी है ग्यारह बजे छत खुलनी है किन्ने बजे ग्यारह बजे किस पोजीशन में खुलनी है पोजीशन जनाब तीन तीन पार छट के बीच कटे होने का कबूतर या जनाब तीन तीन पार छट के दुकान बदने बदने आखिरी टाइम की है आखिरी टाइम साढ़े आठ बजे था स्टैम्प केड़ी लाई सी पहले पूरा प्रेशन करते ने जी। तो दोस्तों ये कबूतर जो है माशाल्लाह उस्ताद अफजाल के बंद हो चुके हैं मौसम की ये सुनील आज 43-44 डिग्री टेम्परेचर है सुबह से ही आप देखते हैं कि हवा बिल्कुल बंद है कबूतर इनके माशाल्लाह कबूतर आए दो कबूतर जरा नीचे हैं बाकी कबूतर इनके बंद हो गए हैं। तो दोस्तों फरहान पिजन स्पोर्ट्स फेस्टिवल में जितने भी पार्टिसिपेंट हैं मैं सरजमीन गुजरात से उनका शुक्रिया भी अदा करता हूं और इसके साथ साथ मैं दोबारा आज नौवीं उड़ान है तो आप लोगों ने जिन लोगों का कोई रिजल्ट पे कोई कमी पेशी आपको नजर आ रही है आप अपने ड्यूटी पेपर मुनसिफ के दस्तखत शुदा ड्यूटी पेपर इंतजामिया को भेजें खलीफा नौवीं जोड़ा उनका नंबर है 0300-9621188 इस पे आप अपने पर्चे जो हैं मुनसिफ के दस्तखत शुदा पर्चे उन्हें भेज के अपना रिजल्ट जो है वो ठीक करवा सकते हैं। तो दोस्तों आज नौवीं उड़ान है दो उड़ानें बाकी रह गई हैं और ये टूर्नामेंट जो है फरहान पिजन स्पोर्ट्स सही है वो माइक फड़ा दो फॉर्मेट में जो है वो मनाया जा रहा है एक तीन दिनों का ये टूर्नामेंट है और इसी तरह दोस्तों मैं टूर्नामेंट के मुताबिक आपको बता रहा था कि फरहान पिजन स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इवेंट जो है ये एक पंजाब की सतह पर है और इसी तरह तीन जिलों का जिला गुजरात जिला गुजरांवाला और इसी तरह जिला सियालकोट के खिलाड़ी उस फॉर्मेट में हिस्सा ले रहे हैं। तो दोस्तों मैं बता रहा था कि जिन दोस्तों का रिजल्ट जो है वो इंतज़ामिया के रिजल्ट के साथ मैच नहीं कर रहा या उन्हें फ़र्क लग रहा है तो मैंने उस दिन पिपना से भी आपको कहा था कि आप अपने जिन लोगों का रिज़ल्ट इंतज़ामिया के रिज़ल्ट के साथ मैच नहीं कर रहा या वेरीफाई नहीं कर रहा
तो वो लोग अपने ड्यूटी पेपर जो हैं वो इंतज़ामिया को भेजें और अपना रिज़ल्ट ठीक करवा लें। आगे दो उड़ानें बाकी रह गई हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपने जो ड्यूटी पेपर भेजने हैं उन पे मुनसफों के दस्तखत होने बहुत ज़रूरी हैं। खाना मालिक का नाम, जिस छत से मुनसफ आया उस छत का नाम, मुनसफ का नाम और नीचे साइन हो। अगर साइन नहीं मुनसफ कर सकता तो वो थंब इम्प्रेशन जो है वो उसके ऊपर दे। इसके साथ साथ मैं बाबू नासर और खलीफा नौमी जोड़ा की तरफ से तमाम जितने भी पार्टिसिपेंट हैं हमारे इस टूर्नामेंट के, हम उन्हें खुश आमदेद भी कहते हैं और बेस्ट ऑफ लक। इसके साथ साथ दोस्तों आपने देखा कि इस जेठ में मौसम के हवाले से बहुत सारे मामलात जो हैं वो सामने आए और मैं जितने भी ऑर्गेनाइज़र हैं उन्हें ये गुजारिश करूँगा कि आइंदा आने वाले जेठ में कम अज़ कम ये जो मौसमी मामलात हैं इन पर कोई खसूसी मशावरत करके और खसूसी तौर पर जो है खिलाड़ियों से मशवरे करके इन मामलात को आगे बढ़ाया जाए। इस दफ़ा आपने देखा दोस्तों कि इस जेठ में मौसम ने काफ़ी जो है ऊपर नीचे सिलसिले हुए, बारिश भी हुई, तूफान भी आए, बहुत सारा जो है लोगों का इस जेठ में बहुत ज़्यादा परिंदे जो हैं वो लोगों के ज़ाया हुए हैं। तो हम ये तमाम जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं टूर्नामेंट के, हम उनसे उम्मीद करते हैं कि आइंदा आने वाला जो डेट होगा इन तमाम मामलात को सामने रख के तमाम कवानीन और जितने मामलात हैं वो वज़ा किए जाएंगे। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि हीरा अगर आपको दिखाए, ये छोटी सी छत है और पंजाब के तकरीबन तमाम टूर्नामेंटों में ये छत हिस्सा ले रही है। इसी तरह फरहान पिजन स्पोर्ट्स फेस्टिवल के इवेंट में भी ये छत शामिल है और इफ्जार ने जो टूर्नामेंट गुजरात में ख़त्म हुए हैं उनमें तीसरी, चौथी, छठी, सातवीं इस तरह की पोजीशनें उनकी आई हैं और हमारे टूर्नामेंट में भी ये छत जो है ये सातवें नंबर पर आज उड़ रही है। तो आज नौवीं उड़ान के लिए तमाम प्लेयरों को हम गुजरात से बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों आपने देखा कि खसूसी तौर पर मुनसफीन के हवाले से मैं फिर गुजारिश करूँगा कि आप लोगों ने अपने इस शोबा पर भी तवज्जो देनी है जो कि इंतहाई ज़रूरी और बहुत अहम है कि मुनसफ को टूर्नामेंट के क्राइटेरिया की आगाही होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ इंतज़ामिया का भी मैं समझता हूँ कि इंतज़ामिया की तरफ से भी इन मामलात को देखना चाहिए ताकि मुनसफियाँ अच्छी हों, टूर्नामेंट साफ और शफाफ हो। और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह कि मेरे गुजरात के इन सपूतों ने आपसे जो वादे किए हैं वो अपने वादों की वफा करेंगे, उन वादों को पूरा करेंगे और आइंदा भी शौक की बेटे के लिए गुजरात से उनसे जो भी इकदाम हो सके वो करेंगे। मैं अपने इन अल्फाज के साथ उस्ताद इफ्जार अहमद आप रामतलाई चौक गुजरात उनकी छत से, छत अगर हीरा आपको दिखाए बारों बारों ज़रा जा के दस तरह ये दोस्तों सामने हीरा अगर आपको दिखाए तो ये रामतलाई चौक में हम इस वक्त खड़े हैं। ये पीछे रामतलाई चौक है और ऊपर ये जो छोटी सी छत आपको नज़र आ रही है, मैं समझता हूँ अल्लाह जिसको इज़्ज़त देना चाहे, ये छत छोटी ज़रूर है मगर एक बेहतरीन स्पोर्ट्समैन के तौर पे ये छत सामने आई है। और गुज़श्ता कई सालों से ये गुजरात के टूर्नामेंटों में, इसी तरह ये बड़े टूर्नामेंट में हमारे में ये शामिल है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज जिस तरह गर्मी पड़ रही है, जिस तरह शुरू की उड़ानों में सेंचुरियों के जो हैं ढेर लगे हैं, आज भी इसी तरह है कि लाग इस तरह रहा है कि सेंचुरियाँ जो हैं वो कम देखने में आएंगी। तो मैं रामतलाई चौक ही रह रहा हूँ, ये सामने आप देख रहे हैं रामतलाई चौक, यहाँ से सड़क पर शहर की तरफ अंदर की तरफ जाती है। अफजाल इधर आना, तो दोस्तों आपने अफजाल भाई को देखा, मैं समझता हूँ कि एक बेहतरीन स्पोर्ट्समैन के हवाले से ये शख्स जो है ये सामने आया है और आप देख लें सेटअप, आपने देखा छोटा सा सेटअप है
मगर यह है कि बड़ी दलेरी के साथ इन्होंने पंजाब के टूर्नामेंट में, हमारे फरहान पिजन स्पोर्ट्स फेस्टिवल में और गुजरात के जितने टूर्नामेंट थे उनमें इन्होंने हिस्सा लिया और ये पॉइंट टेबल पर आए। अफजाल भाई, कितना अर्सा हो गया अपनी इस छत उड़ा रहे हो? छत तो मैं 3-4 साल हो गए ने, हूँ मैं इतों उड़ा रहा थलो ग्राउंड विचों भी। अच्छा, इतों ग्राउंड तो उड़ते रहे? ग्राउंड में उड़ा रहे। अच्छा 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 जी। तो माशाला अच की पंजाब दिया बाकी जो 7 रोज़ा टूर्नामेंट सन उन्होंने कोई पोजिशन आई? नहीं, उन्होंने कोई पोजिशन नहीं, क्योंकि 6वें दिन इतने मौसम की खराबी ना कबूतर कोई सुबह बह गए कोई चले गए ने। अच्छा अच्छा। ऐतकी बीमारियां ने बड़ा टेंशन दी है, बीमारी नाल कबूतर बड़ा मरिया। अच्छा। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि इस शख्स ने बड़ी बहादुरी और बड़ी दलेरी के साथ पंजाब के बड़े जितने भी टूर्नामेंट हैं, हमारा मेगा इवेंट जो है 1 लाख रुपए एंट्री वाला टूर्नामेंट है और उसमें भी ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं चौधरी ज़कावुल्लाह ऑफ काले की, गुजरात का ये छोटा सा कस्बा है और उन्हीं के ये शागिर्द भी हैं, मैं उनका, अफजाल भाई का और अहले शौक गुजरात का शुक्रिया अदा करते हुए रामतलाई चौक उस्ताद अफजाल की छत से आप दोस्तों की दुआओं के साथ हम इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह प्रोग्राम बना रहे हैं, अगला प्रोग्राम हमारा हो सकता है कि इस दफ़ा हम सियालकोट जाएं, क्योंकि सियालकोट में भी आज एक मेगा इवेंट जो है उसकी फाइनल उड़ान है। मुझे और हीरा को रामतलाई चौक गुजरात से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।